वालेकुम फ्रेंड्स, आपने अगले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे बकरे ऊपर आ चुके हैं। इसे बाल भी निकाला है तुमने। फ्रेंड्स, हमने इसको खाना डाला तो इसने इसको बाल निकाल लिया। अभी मैं इसको बंद करके आया। ओए अब गाइस, फ्रेंड्स इधर आए। अभी ये बिल्ला को मार रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इनको खाना डाला हुआ है और मैंने कैमरा पापा को पकड़ाया हुआ है और ये मैं हूँ। चलिए यहाँ से बाहर जाके फोंगिया मारते हैं। चलिए आ जाए, चलो चलते हैं। तो शेर अगर खुल गया तो वो तो तुम्हें खा जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर हम करेंगे सबसे खतरनाक बकरा बाहर निकालेंगे। तो वो तो बकरे को भी खा सकता है, हैं? फ्रेंड्स, वो देखें, मुर्गी ऊपर चढ़ गई है और मुर्गा बाहर का नजारा देख रहे हैं। हमारा मुर्गा इतना लंबा है कि वो बाहर भी देख लेता है। ये देखें फ्रेंड्स, हादी जो है गब्बर के साथ जो है वो पंगे ले रहा है, उसे जो है मारना सिखाने की कोशिश कर रहा है और गब्बर जो है ऐसे लग रहा है कि उसको मारने के मूड में है। नहीं सॉरी, ये गब्बर नहीं है, इसका नाम है जोगी। हमने इसका नाम रखा हुआ है जोगी, ठीक है। ये सबसे पहले हम ये वाला बकरा लेके आए थे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़्यादा पहले जो है ना, ओए ये क्या किया इसने? अच्छा, ये बकरा सबसे पुराना है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम मासूम लेके आए थे और जोगी को लेके आए थे। जोगी आया था, उसके बाद दोनों ये इकट्ठे आए थे। उसके बाद हमारे पास मिट्ठू और यूमन आए थे और लड्डू जो है वो सबसे एंड पे आया हमारे पास। ओए हादी, इस तरह ये मारेगा फिर तुम लोग अंदर जाओगे तो फिर मसला होगा तुम लोगों को। अच्छा, ये अब्दुल्ला को देखें आप, ये अब्दुल्ला क्या कर रहा है, ठीक है। ये इसका ज़रा जो है ना तरीका चेक करें, ये क्या काम करता है। ये देखें, ये स्पाइडर मैन बना हुआ है। ये इस तरह जो है ना पिंजरे के अंदर भी चला जाता है। इस तरह चोट लग सकती है तुम लोगों को। ये देखें हादी इतना माशाल्लाह जो है ना वो स्मार्ट है कि आप भी स्मार्ट हो। ये बस सारा दिन ना इस तरह शरारतें करते रहते हैं। ये देखें इनके काम, देखें अब्दुल्ला के काम देखें। अच्छा, वाह भाई वाह, ध्यान से चोट ना लग जाए। और इस तरह नहीं करते रहना, जब पापा होंगे ऊपर तुम्हारे पास तो तब ऐसे करना, अकेले नहीं करना, ठीक है। अभी जो है ना 2-3 दिन हो गए हैं हम लोग जो है ना ये बकरों को ऊपर लाने के लिए। इनका शेड आहिस्ता आहिस्ता हमने 2-3 महीने से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम करके बना रहे थे। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो नीचे वाला शेड आया था हमारे पास, तो उधर हमने गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी में हमने उधर रखा हुआ था। अब्दुल्ला बस करो। तो अब जो है ना मतलब कि अब मौसम ज़रा अच्छा हो गया, हवा चलती है, धूप इतना तंग नहीं करती, तो हम लोग अब ऊपर ले आए हैं। तो शायद हम लोग सर्दियों में भी जो है ना वो इधर ही रखें। अभी इनका इंतज़ाम हम करेंगे प्रॉपर कि इनको सर्दी ना लगे। तो जो है अभी 2-3 दिन हो गए हैं हम लोग जो है ना बकरों को ऊपर ले के आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं।
कर रहे थे, तो वो जो है ना छत के बहुत बुरे हालात बने हैं, जिसना मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये छत के बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। पहले बिल्कुल साफ़ सुथरी आई थी, बारिशें हो रही थी तो बिल्कुल साफ़ की हुई थी, लेकिन इनको लाने में ना छोटा छोटा सामान इनका, और वो थोड़ा सा हमने ये सीमेंट का काम भी किया, उसकी वजह से जो है ना वो गंद वगैरह पड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना कोई टाइम निकाल के कोई एक दो दिन में जो है ना हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे। थक भी किस तरह कर रहे हैं हम लोग इनका इंतज़ाम, ये देखें हमने बड़ा सिंपल सा और बड़े कम खर्चे के अंदर जो है ना शेड बनाया है। इसके मुतालिक मैं आपको किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमने मतलब के जो है ना कितना को खर्चा आया इसके ऊपर और किस तरह हमने बनाया है, ठीक है। तो ये जो है हादी है और ये जनाब अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला जो है ना हर टाइम एक जगह खड़ा ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जो है ना कुछ ना कुछ ये करता रहता है। शुक्र है मोबाइल बच गया, तो वो भी शूट हुई है वीडियो, तो वो आप एंड में देखिएगा, जब व्लॉग एंड होगा ना उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो व्लॉग एंड, इसको ना व्लॉग एंड करने की बड़ी जल्दी होती है कि मैंने एंड करना है, तो वो आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया है। चलें फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कर देना। तब तक के लिए अल्लाह।